तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि कौन जीतेगा आईपीएल 2021। तो देखो अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सीएसके टॉप पर है, नहीं डीसी टॉप पर है, देन सीएसके, आरसीबी एंड केकेआर। अभी दो मैच बचे हैं बट ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो सवाल यह है कि कौन जीतेगा आईपीएल। तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे टॉप टू टीम्स के। आप हिस्ट्री देख लो आईपीएल की, ऑलमोस्ट मतलब जो दो टीम्स होती हैं सबसे ऊपर, वही उनमें से कोई एक ही जीतता है आईपीएल। बट ऐसा भी हुआ है कि नंबर तीन की टीम भी जीती है। आपको याद होगा एसआरएच, जी हाँ, जो भी बिल्कुल फिसड्डी है, वो 2016 में नंबर थ्री पे होने के बावजूद भी आईपीएल को लिफ्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि नंबर थ्री फोर की टीम भी नहीं जीतती, जीतती है पर कम चांस होते हैं बहुत। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिल्ली कैपिटल्स या फिर सीएसके जीतेगी। तो अगर हम कंपेयर करें इन चारों टीमों को, तो अगर हम ओपनर्स की बात करें तो मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, सबसे बढ़िया ओपनर्स हैं सीएसके के पास। क्यों? क्योंकि उनके ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़ एंड फाफ डु प्लेसिस हैं। एंड अगर आप देखो ना सीएसके को, तो आज वो अगर नंबर वन स्पॉट पे हैं तो उनके ओपनर्स की वजह से हैं। उनके मिडिल ऑर्डर ने कुछ भी नहीं किया है एंड ऑरेंज कैप के दावेदारी दे रहे हैं दोनों, ऋतुराज एंड फाफ डु प्लेसिस। फिर अगर मैं अभी फेज़ टू की बात करूँ तो अभी तो आरसीबी के ओपनर्स होंगे कोहली एंड पड्डीकल, फिर डीसी के एंड देन केकेआर जिसके ओपनर्स हैं शुभमन गिल एंड वेंकटेश अय्यर। ठीक है, मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सबसे कमज़ोर एंड सबसे ताकतवर या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरसीबी का है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि उनके पास मैक्सवेल है, मैक्सवेल की फॉर्म उनके, भाई आप पिछली चार इनिंग देखो, 350 है लगातार एंड 40+ है, उसमें वो शायद रन आउट हुए थे। एंड ए बी डिविलियर्स भाई साहब आपको पता है हारा हुआ मैच आसानी से जिता सकते हैं। एंड श्रीकर भरत वो भी काफ़ी अच्छे खेलते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड फिर आप कह सकते हो कि दिल्ली कैपिटल्स का है क्योंकि उनके पास अय्यर है, पंत है एंड हेटमायर है। तो पंत ने इतना अच्छा नहीं किया है, अय्यर अच्छा कर रहे हैं एंड हेटमायर मतलब ठीक है। एंड फिर आते हैं हमारे पास के के आर का मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कहूँगा सीएसके से। क्यों? क्योंकि आप देखो ना उनके पास है मोर्गन एंड राहुल त्रिपाठी एंड नीतीश राणा। तो ये मतलब अगर आप इन्हें कंपेयर करते हो अंबाती रायडू, सुरेश रायना एंड मोइन अली, जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है बिल्कुल भी, अंबाती रायडू को छोड़ के, तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट पाओगे। ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरसीबी, देन डीसी, देन केकेआर, देन सीएसके। ठीक है, इससे आगे बढ़े मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि क्या हम यानी स्पोर्ट ट्रेजर सिर्फ 40 सब्सक्राइबर डिजर्व करते हैं? नहीं ना। तो आज का टारगेट है कि आप पूरे के पूरे 100, नहीं तो 80 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। कितने? 80 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। मैं 1 2 3 गिनूंगा, इतना आप टच कर दीजिए, सिर्फ टच करना है सब्सक्राइब का बटन, 1 2 3। उम्मीद है आपने कर दिया होगा, 80 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट कोई नहीं देता ऐसा। अब बात करते हैं फिनिशर्स की। तो सबसे बढ़िया फिनिशर्स हैं केकेआर के पास, उनके पास आंद्रेयसन है एंड दिनेश कार्तिक है। मतलब आंद्रेयसन जिस जिस टीम के पास है, मतलब उसे क्या चाहिए और। ठीक है, एंड अगर आप देखो तो मुंबई क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे फिनिशर्स हैं, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या एंड कभी कभी कृणाल पांड्या। मतलब ये इससे अच्छे ओपनर्स आपको, इससे अच्छे फिनिशर्स आपको नहीं मिलेंगे, एंड केकेआर के पास वो हैं। उसके बाद आप कह सकते हो सीएसके के पास है वहाँ पर एमएस धोनी, ब्रावो एंड जडेजा है। फिर आरसीबी सबसे कमज़ोर हो क्योंकि इनके पास डैन क्रिस्चियन है, जिन्होंने एक रन से ऊपर नहीं बनाया है। एंड शहबाज अहमद है, अच्छी बैटिंग करते हैं बट उतनी भी नहीं। एंड उससे पहले आते हैं कौन, दिल्ली कैपिटल्स, इनके पास
अक्षर पटेल एंड मार्कस स्टोइनिस है। ठीक है, बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में दिल्ली सबसे बेस्ट है। उनके पास है रबाडा, नोकिया, अश्विन एंड आवेश खान। इससे अच्छा फास्ट बॉलिंग लाइनअप आपके पास कैसे होगा। एंड उसके बाद बॉलिंग लाइनअप है केकेआर के पास, उनके पास हैं लोकी फर्गसन, प्रसिद्ध कृष्णा, सुनील नारायण एंड ये है, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं कहूँगा आरसीबी या फिर सीएसके। आरसीबी बेस्ट है क्योंकि हर्षल पटेल, प्रफुल्ल पटेल है उनके पास, सिराज है फास्ट बॉलिंग एंड काइल जैमिसन को खिलाना चाहिए बट ठीक है। एंड यूजी चहल फिर आता है सीएसके के पास। तो अगर आप देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है डीसी, ठीक है, उसके बाद है आरसीबी, उसके बाद आप केकेआर एंड सीएसके को एक साथ मान सकते हो। अगर सीएसके के, अगर आप देखो सीएसके के अगर फ्लॉप हो गए ओपनर्स एक भी मैच में एंड एक ही मैच आपको मिलेगा तो मतलब आपकी पूरी टीम गई, बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ये देखना होगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी में से कोई जीत सकता है। चांसेस दिल्ली कैपिटल्स के ज़्यादा हैं, बट अगर आप देखो दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। शिखर धवन देख लो, पृथ्वी शॉ, अय्यर, पंत, हेटमायर, स्टोइनिस, मतलब उतना अच्छा नहीं किया है। एंड अगर आप आरसीबी को देखो, विराट कोहली फॉर्म में, पड्डीकल का मतलब हाँ फॉर्म में है पड्डीकल, पिछली इनिंग को आप मत देखो, एंड मैक्सवेल ए बी, मतलब अगर आप देखो ना फिनिशर्स नहीं है मानता हूँ, बट अगर आप ओवरऑल देखो आरसीबी मुझे लगता है इस साल उठा सकती है आईपीएल। तो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है नीचे अपने बताइएगा। एंड 80 सब्सक्राइबर का आज का मेरा टारगेट है, पूरा कंप्लीट करवा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।